राम राम दोस्तों, आप सभी का माँ बेटी ब्लॉग्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ घर पर पनीर कैसे बनाते हैं उसका तरीका शेयर करूंगी। इसके लिए हम 1 लीटर दूध ले लेंगे। अब इस दूध को हम इस पतीले में डाल लेंगे। अब दूध को हम स्टोव पे रख लेंगे और इसको एक बॉईल आने देंगे। दूध गर्म हो रहा है, अब बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। अब हमारे दूध में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच विनेगर डालेंगे और इसको हिला देंगे और जो गैस की आंच है उसको धीमे रख लेंगे। अब 1 चम्मच और विनेगर डाल लेंगे। आप विनेगर की जगह नींबू का भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालना है। अब चलाते रहिए, देखिए हमारा पनीर जो है पानी अलग हो गया और पनीर बन गया है। गैस बंद कर दिया, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम सूती कपड़े की मदद से इसका पानी और पनीर को अलग कर लेंगे। विनेगर की खटास हटाने के लिए हम इसमें सादा पानी डालेंगे। अब इसको हम बांध लेंगे। अब इसके ऊपर भारी बर्तन रख देंगे ताकि इसको एक शेप मिल जाए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी बाहर आ जाए। और आधा घंटा हो गया है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसकी शेप बन गई है। अब हमारा पनीर बनकर रेडी है। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल माँ बेटी ब्लॉग्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।